और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। और सबसे बड़े खबर इस वक्त की बिहार से, जहां पर ट्रेनों में इस वक्त भयंकर भीड़ देखी जा रही है। दरअसल दिवाली और छठ पर लोग भारी संख्या में दिल्ली मुंबई से बिहार आते हैं और अब दिवाली छठ के बाद लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में इतनी भीड़ के लोग ट्रेन में चढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें बेगूसराय स्टेशन की हैं और एक बार फिर से ऐसी भीड़ की तस्वीरें निकलकर सामने आई जो ठीक त्योहारों से पहले देखी गई थी, और त्योहारों के बाद भी यही हालात जो है वो बने हुए हैं। हालांकि लगातार रेलवे की तरफ से कहा गया कि पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, और बता दें कि स्पेशल ट्रेन्स भी जो है वो चलाई जा रही हैं, लेकिन ये जो स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं ये भी पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लगातार जो संख्या है वो यात्रियों की ज़्यादा देखी जा रही है। बता दें कि देश में कोई भी त्यौहार हो लेकिन इतनी आवाजाही किसी त्यौहार पर नहीं देखी जाती है जब छठ और दिवाली का त्यौहार आता है। ज़्यादातर छठ के त्यौहार के वक्त जो लोग बाहर महानगरों में जाकर, अगर बात करें दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे जगहों की, तो यहाँ पर झारखंड बिहार यूपी से लोग जाकर बस जाते हैं और काम के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। ऐसे में जब त्यौहार आता है तो इन लोगों की पूरी कोशिश होती है और इनके अंदर भावना होती है कि ये जो त्यौहार हैं जो साल में एक बार आते हैं, इन त्यौहारों को ये अपनों के पास जाकर, अपने परिवार के पास जाकर ही मनाएं। ऐसे में जब ये त्यौहार के वक्त पर अपने घर वापस जाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही लोगों ने टिकटें जो है ट्रेन की जो बुक कराई होती हैं उनको तो सहूलियत मिल जाती है, लेकिन जिनकी टिकट उस वक्त बुक नहीं हो पाती है, ऐसे में जब स्पेशल ट्रेन की भी टिकट बुक कराने की कोशिश की जाती है तो वो भी पल भर में ही ख़त्म हो जाती है, तो लोगों को टिकट नहीं मिल पाती है। उसके बाद जब टिकट मिल भी जाती है तो इस तरह से लोगों को भारी भरकम सामान अपने पीठ पर लाद कर जो है ट्रेन में चढ़ना पड़ता है इस भीड़ को धकाते हुए, क्योंकि व्यवस्थाएँ यहाँ पर कुछ ज़रूर अक्सर ही कम पड़ जाती हैं रेलवे द्वारा जो की जाती हैं।